So, बहुत दिनों बाद मैं लेकर आ चुकी हूं बहुत ही तगड़ा वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्री फायर की सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। इस वीडियो के अंदर एक ऐसा सेंसिटिविटी बताऊंगा ना जो सेंसिटिविटी अगर आप लोग लगा लेते तो कैसे आप लोगों का जो हेडशॉट है ना वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर आप लोग वन टैप हेडशॉट मारते हो ना तो कैसे ये सेंसिटिविटी खास आप लोगों के लिए बना है। ये सेंसिटिविटी हर एक गन के साथ वर्क करता है। अगर आप लोग M18 हो, M10 हो, डेजर्ट ईगल हो, इवन कोई अगर ऑटो गन है जैसे कि UMP वगैरह हो उससे भी आप लोग बहुत ही तगड़ा हेडशॉट मार पाओगे। अब टाइम वेस्ट ना करके फटाफट से आप लोगों को सेंसिटिविटी बताते हैं। बट एक क्वेश्चन मेरा इंस्टाग्राम पे काफी आता है, भाई आप लोग के हाथ में एक नया फोन देखा वो कौन सा फोन है भाई, काफी अच्छा दिखता है। सो ये है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और भाई ये जो फोन है ना पूरा टाइटेनियम का बना है। एंड गेम में भाई लैग वैग कुछ नहीं होता, ना गर्म होता ना लैग होता, चाहे कोई भी गेम खेल लो कोई भी। आपको भी एक खतरनाक गेमिंग फोन चाहिए ना तो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा आपके लिए है। ओके, अगर हम लोग सेंसिटिविटी सेटिंग पर आ चुके हैं, सारे सेंसिटिविटी देख सकते हो, मैंने जीरो कर रखा है, एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्री लुक के बारे में। गाइस फ्री लुक ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोगों को मैं हर बार बताता हूँ फ्री लुक इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आपको फ्री लुक के साथ भी खेलना है तो आप इसको 50 में रख सकते हो। मैं पर्सनली इसको 50 में छोड़ देता हूँ, इसको यूज नहीं करता हूँ। अगर आप लोग यूज करते हो तो इसको सिंपली ऐसे 50 में सेट कर दो। ओके, बात करते हैं स्नाइपर स्कोप के बारे में। स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। जो लोग स्नाइपर से हेडशॉट मारना चाहते हैं, स्नाइपर से बंदे को एकदम तगड़ा तरीके से उड़ाना चाहते हैं, तो स्नाइपर सेंसिटिविटी आप लोगों को कितना रखना चाहिए। स्नाइपर सेंसिटिविटी हर समय एक चीज ध्यान रखना, 30 से ऊपर कभी नहीं होना चाहिए स्नाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। हमेशा 25, 26, 27 ऐसा रख सकते हो। मैं पर्सनली इसको 25 में सेट करता हूँ। एंड अगर आप लोग इससे ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा, अगर आप लोग स्नाइपर से हेडशॉट वगैरह मारना चाहते हो ना तो इसको 30 से ऊपर मत करना है। मेरा पर्सनल सेटिंग है 25, तो आप लोग भी 25 रख सकते हो। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। 4x स्कोप सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए, तो सिंपली एक ही बात बोलूंगा, 4x स्कोप सेंसिटिविटी को आप लोगों को 60 में सेट करना है। जैसे मैं इसको 60 में सेट करूँ ना, आप लोग इसको 60 में सेट कर लेना। अगर आप लोग ऐसे 4x ओपन करके UMP वगैरह से हेडशॉट मारना चाहते हो ना, तो 4x के लिए आप लोगों का 60 सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। तो हमेशा 4x के लिए 60 सेंसिटिविटी यूज करना। अभी हम लोग बात करते हैं 2x सेंसिटिविटी के बारे में। 2x स्कोप सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए, हमेशा याद रखना 2x स्कोप सेंसिटिविटी जो 4x में रखोगे ना उससे 10% कम करना है। यानी यहाँ पर 60 रखा था तो 2x में आप लोगों को 50 रखना है। तो मैं फटाफट से इसको 50 में सेट कर देता हूँ। कहाँ गया 50 50 50 50। ओके, 50 में सेट हो चुका है। तो हमेशा ये कॉम्बिनेशन यूज करना, 4x में जो सेंसिटिविटी लगाओगे ना उससे 10% आप लोगों को 2x में रखना है, ठीक है। जो मैं सेंसिटिविटी आप लोगों को बता रहा हूँ ना काफी प्रैक्टिकल एंड काफी अच्छा सेंसिटिविटी है। एंड साथ ही साथ एक चीज और बोलने लग जाऊंगा, आप लोग अभी कमेंट करोगे भाई आपका फोन लैग करता है नहीं, ये सब पूछने लग जाओगे। सो मैं आप लोगों को और एक चीज कंफर्म करता हूँ, इस फोन में मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का प्रोसेसर जिसमें लैग छोड़ो कुछ नहीं होता। फोन में कुछ भी कर लो हर एक चीज स्मूथ चलता है। सो अभी हम लोग बात करते हैं जनरल और रेड डॉट के बारे में। जनरल एंड रेड डॉट आप लोगों को पता है जो भी वन टैप वगैरह हेडशॉट होता है ना उसमें ज्यादा काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड डॉट के बारे में। तो रेड डॉट सेंसिटिविटी हमेशा आप लोगों को 90 के ऊपर रखना। क्यों रखना है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि रेड डॉट से तभी आप लोगों बंदे को मारोगे जब बंदे क्लोज में हो गए। जब क्लोज में हो गए आप लोगों का हाई सेंसिटिविटी जरूरी है, तो आप लोगों को रेड डॉट को 90+ रखना है। मैं इसको 90 में रखता हूं, आप लोग भी 90 पे रख सकते हो। अभी बात करते हैं जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। जनरल सेंसिटिविटी है ना डिवाइस टू डिवाइस वैरी करता है। अगर आप लोगों का हाई एंड डिवाइस है, मेरे तरह गैलेक्सी S24 अल्ट्रा है जिसमें लैग वैग बिल्कुल ही नहीं करता है, तो आप लोग इसको 100 कर सकते हो। बट अगर आप लोगों का थोड़ा बहुत लो एंड फोन है जिसमें लैग वैग करता है तो इसको 80 पे सेट करना है, ठीक है। जैसे मैं 80 पे सेट करो, सिंपली इसको 80 पे सेट करना है। ओके, अगर हाई एंड डिवाइस है तो तभी इसको हाई करना है, नहीं तो क्या होगा, बहुत ही हाई सेंसिटिविटी हो जाएगा ना आप लोगों का फोन लैग करने लग जाएगा। बहुत जोर से डिस्प्ले मूव करता है ना तो आप लोगों को पता है डिस्प्ले से अटक जाता है। जिन लोगों के पास लो एंड फोन है उन लोगों को ही पता है चीज। तो अगर आप लोगों के पास ऐसे बेस्ट फोन है गैलेक्सी S24 अल्ट्रा तभी इसको आप लोग 100 में सेट करना। मेरे पास तो गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, तो मैं इसको 100 पे सेट कर दिया। तो ये रहा इसका सेंसिटिविटी, अच्छे से देख लो एंड ऐसे ही सेंसिटिविटी सेट करना। इस सेंसिटिविटी को लगा के 2-3 दिन प्रैक्टिस करो, मेरा गारंटी आप लोगों का जो गेम प्ले है ना काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। सो अभी हम लोग टाइम और ज्यादा ना करके वीडियो को एंड करते हैं। बट उससे पहले और एक बार बोलूंगा, अगर आप लोगों को गैलेक्सी S24 अल्ट्रा खरीदना है तो आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे तगड़ा फोन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। बाय।